Hello students, welcome back. Today in this video class we are going to discuss about some natural phenomena, and that is the chapter of our science NCERT book of class 8. So let's begin. Natural phenomena means jo incidents naturally occur hote hain, these are called natural phenomena. Kuch bahut sare incidents hote hain जो कि नेचुरली अकर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल फिनोमेनन, नेचुरल परिघटनाएं. ओके, सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट विंड, स्टॉर्म्स, साइक्लोन. व्हाट आर दीज ऑल? दीज ऑल आर नेचुरल फिनोमेनन, नेचुरली अकर होती है. इन्हें कोई ह्यूमन तो नहीं उनको अकर होने के लिए सिचुएशन क्रिएट करता है, वो नेचुरली अकर होती है. सो दीज ऑल आर नेचुरल फिनोमेना. So in this chapter we are going to discuss two major natural phenomena, and that is lightning and earthquake. इन दो natural phenomena के बारे में हम इस chapter में discuss करेंगे. So first if you talk about lightning, what is lightning? We know what is electricity, a charge, flow of charges. Flow of charges, this is electricity. इसी तरह से lightning में क्या होता है, lightning में भी charges का flow होता है. So discuss हम करेंगे detail में इसके बारे में. इसमें क्या होता है, lightning के बारे में कुछ Greek जो लोग थे, Greek यूनानी लोग जो थे, उनका मानना था कि जब एम्बर को, एम्बर अ काइंड ऑफ रेजिन, इसको जब फर से या किसी सिंथेटिक कपड़े से रब किया जाता है तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटीज में आ जाती है. तो दैट इज एम्बर के बारे में उन्होंने बताया. इसी तरह से कई बार हम देखते हैं जब हम वूलन क्लॉथ्स को रिमूव करते हैं, वूलन क्लॉथ्स को डार्क में जब हम रिमूव करते हैं तो क्या होता है, उनमें स्पार्क्स हमें दिखाई देती है, कुछ थोड़े बहुत स्पार्क्स दिखाई देते हैं, एंड साथ ही क्रैकलिंग की साउंड भी जनरेट होती है. वो क्रैकलिंग की साउंड जनरेट होती है, वो फेनोमेना किससे रिलेटेड है, लाइटनिंग से. इसके बारे में 1752 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया था कि रिमूवल ऑफ क्लॉथ्स एंड स्पार्क्स एंड क्रैकलिंग व्हाइल रिमूविंग द क्लॉथ, वूलन क्लॉथ्स एंड लाइटनिंग आर द सम सेम नेचुरल फिनोमेनन. उन्होंने बताया कि जो हम कपड़े रिमूव करते हैं वूलन के, तो उसमें जो स्पार्किंग होती है, क्रैकलिंग की जो साउंड आती है, चिपचिप की जो आवाज आती है वो, और जो आसमान में, स्काई में जो लाइटनिंग होती है, वो दोनों सेम प्रोसीजर होते हैं, दोनों के जो प्रोसीजर रहता है वो सेम रहता है. सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है रबिंग की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है रबिंग की वजह से, चार्जेस बाय रबिंग. इसके बारे में अगर इसको हमें एक्टिविटी से समझते हैं, हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक अ कॉम्ब एंड रब इट ऑन आर ड्राई हेयर्स. हमें कॉम्ब लेना है और उसको अपने ड्राई हेयर्स पर रब करेंगे, उसके बाद में उस कॉम्ब में क्या होगा, चार्जेस आ जाएंगे. जब उस चार्ज कॉम्ब को हम पेपर के पीसेस के पास में लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो कॉम्ब होगा वो उन पेपर के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. सो इसमें क्या होगा कि अ चार्ज बॉडी जो होगी वो अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट्स अदर अनचार्ज बॉडी. चार्ज बॉडी जो होगी, चार्ज बॉडी यहां पे क्या है, कॉम, वो अनचार्ज बॉडीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी. अनचार्ज बॉडी जो है यहाँ पे है वो है पेपर के पीसेस. तो इस तरह से क्या होता है, रबिंग की वजह से चार्जेस जनरेट होते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि जो चार्जेस के टाइप्स होते हैं, उनकी इंट्रेक्शन होती है वो किस तरह से होती है.
तो इनके बारे में चार्जेस के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चार्जेस बेसिकली क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। इसको हम एक एक्टिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें क्या लेना है, एक बलून लेना है। वी विल टेक अ बलून। अब इस बलून को मैं अपने हेयर से रब करूंगी तो इसमें क्या होगा, एक चार्ज आ जाएगा। जब ये चार्ज बलून को मैं बलून को वॉल के पास में लेके जाऊंगी या इस बोर्ड के पास में लेकर आऊंगी तो क्या होगा, ये बलून जो है इस बोर्ड से चिपक जाएगा, इससे स्टिक हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो एक चार्ज बॉडी है दूसरी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ओके, उसके बाद में अब मैं करूं, अगर इफ आई विल टेक टू बलून्स एंड दोनों को ही मैं हेयर से रब करूं तो क्या होगा, दोनों पे सेम चार्जेस आएंगे। सेम चार्जेस आने की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। कि ऐसे है, सेम चार्जेस है तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लेकिन इसी एक्टिविटी में अगर मैं एक बलून लेती हूँ, बलून को मैंने अपने हेयर्स पे रब करके इसको चार्ज किया, अब सेकेंड थिंग जो मैं लूंगी दैट इज अ रिफिल। कोई भी पेन की मैंने रिफिल ली, इसको किसी और मटेरियल से रब करके मैंने इसको चार्ज किया। ओके, तो अब क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। व्हाई, बिकॉज दीज टू बॉडीज और दीज टू ऑब्जेक्ट्स हैव द डिफरेंट चार्जेस। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि जो लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल, राइट। इसके बाद में लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। अब चार्जेस की अगर हम बात करें तो चार्जेस के दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट। स्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट। स्टैटिक मीन्स जो स्टेशनरी होते हैं, जो मूव नहीं करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट जो जिसमें चार्जेस जो है वो मूव करते हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो इसका हम अगला प्रोसीजर ये पढ़ते हैं कि ये ट्रांसफरिंग कैसे होती है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट के जो चार्जेस है वो कैसे मूव करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस। सो फॉर दिस वी हैव टू डू एन एक्टिविटी। फॉर दिस एक्टिविटी वी हैव टू टेक अ जार एम्प्टी जार। ओके, एंड फॉर इट्स लिड कवरिंग वी विल नॉट टेक इट्स लिड, वी विल टेक अ कार्डबोर्ड। We will cover it lid with a cardboard. Okay, and in this cardboard we have to make a hole so that we can hang an paper clip, metal paper clip inside it. Okay, this one is cardboard. This is a jar, and this one is metal paper clip. Now what we have to do is we have to take two aluminium strips. Two aluminium strips, and these two aluminium strips will be hung here. Okay, यहां पर क्या होगा, हमने एक जार लिया, इसको कार्डबोर्ड से कवर किया इसके ओपन एरिया को, एंड उसमें एक होल किया, होल में से मेटल की पेपर क्लिप को इसमें से पास किया, इंसर्ट किया इसमें, और उसके बाद में दो एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स लेनी है हमें, और इनको यहाँ पर इस पेपर क्लिप पे हैंग कर देना है। अब हमें क्या करना है, हमें एक रिफिल लेनी है, चार्ज रिफिल, उसे हम चार्ज करेंगे, और जब उस चार्ज रिफिल को हम यहाँ पर इस मेटल क्लिप के पास में लेकर आएंगे
तो क्या होगा, मेटल, क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स जो है वो तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, जो इसमें चार्जेस है, इस रिफिल में जो चार्जेस होंगे वो इस मेटल रोड से यहाँ पर कंडक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर पास हो जाएंगे और ये दोनों इसमें इन स्ट्रिप्स में वो चार्जेस आ जाएंगे। अब बिकॉज ये चार्जेस सेम है तो क्या होगा, ये स्ट्रिप्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी, एक दूसरे से दूर हो जाएगी, बिकॉज इनमें जो है सेम काइंड ऑफ चार्जेस आर कमिंग, राइट। तो इस सेटअप को और इस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप बिकॉज इस सेटअप से हम पता लगा सकते हैं कि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या फिर अनचार्ज है। ओके, सो नाउ इफ व्हाट आई विल डू, मैंने इस एक स्ट्रिप को मैं टच करूंगी, तो इस एक स्ट्रिप को टच करने के बाद में इसका जो भी चार्जेस था वो मेरे अंदर आ गया, मेरे अंदर आ गया, तो यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल इफेक्ट हो गया, इस स्ट्रिप पे कोई भी चार्ज नहीं है अब, क्योंकि वो चार्ज मेरे अंदर आ गया और मेरे अंदर से वो चार्ज कहाँ जाएगा, अर्थ में जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग, अर्थिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग। इट मीन्स जब एक चार्ज बॉडी से चार्जेस को अर्थ में ट्रांसफर किया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग क्यों नेसेसरी है, आपने देखा होगा हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं आपके घरों में, उनमें एक अर्थिंग की वायर रखी जाती है। इस वायर का क्या काम होता है, ये वायर क्या करती है, जब बहुत सारा चार्ज एक साथ किसी सर्किट में फ्लो होने लगता है तो उस एक्स्ट्रा चार्ज को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करके अर्थ में ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि बड़ा शॉक होने से बच सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो डैमेज होता है उससे हम प्रोटेक्शन अपने ले सकते हैं। सो दैट इज अर्थिंग। नाउ आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी विल डिस्कस स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। स्टोरी ऑफ लाइटनिंग मीन्स इसका लाइटनिंग का रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन है चार्जेस। हमें पता है लाइटनिंग क्यों होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग में पढ़ते हैं कि चार्जेस कैसे फ्लो होता है। हमें पता है जब भी थंडर स्टॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है, एयर का जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो लोअर डायरेक्शन में आती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है। इस प्रोसीजर के बीच में क्या होता है, चार्जेस जो है वो एक दूसरे को कंबाइन करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं और थंडर स्टॉर्म होती है जिसमें लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है और स्टॉर्म की जो आवाज होती है, थंडर की जो साउंड होती है वो हमें बाद में सुनाई देती है। सो होता क्या है, स्काई में क्लाउड्स होते हैं, और अर्थ पे क्या होता है, ट्रीज होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अपर एंड पे जो क्लाउड्स होते हैं दीज आर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो लोअर एंड के क्लाउड्स होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है, ओके, नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से जो यहाँ पर टॉल ट्रीज है इन पे क्या होगा, इन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को कंबाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रीक दिखाई देती है, उस स्ट्रीक को ही हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। या तो ये वाले जो चार्जेस है वो एक दूसरे को कंबाइन करेंगे या फिर यहाँ वाले चार्जेस एक दूसरे को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ वाली जो कंबाइनिंग होगी, यहाँ पर जो हमें स्ट्रीक दिखाई देगी, यहाँ पर जो लाइटनिंग होगी उसको उससे हमें ज्यादा डैमेज नहीं होता है, ज्यादा हार्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ वाली अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। अब जब लाइटनिंग हो जाती है, स्ट्राइक बन गई, लाइटनिंग हो गई, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देंगे,
चार्ज तो खत्म हो जाएगा लाइटनिंग के बाद में, तो इसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अब हमें पता है कि थंडर के बारे में और लाइटनिंग के बारे में तो वेदर डिपार्टमेंट पहले प्रेडिक्शन कर सकता है कि कब आने वाले, इसके लिए हम अपने पहले से ही प्रिकॉशंस लेके रख सकते हैं, लेकिन कुछ फिनोमिनल्स ऐसी होती है जिनके लिए पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, दीज ऑल आर अकर सडनली। ओके, सो इट वॉज अबाउट लाइटनिंग। सो लाइटनिंग होते टाइम पे हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स भी अपनाने चाहिए, अडोप्ट करने चाहिए, उनके बारे में हम करें तो क्या हो सकता है कि अगर हम कहीं पे भी लाइटनिंग हो रही है और हम उस जगह पे प्रेजेंट है तो हमें अपने नीज बेंट करके बैठ जाना है और अपने ईयर्स को दोनों हाथों से बंद कर देना है। ओके, इसके बाद में इफ वी आर आउटसाइड ऑफ आवर होम, लाइटनिंग हो रही है और हम अपने घरों से बाहर है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हमें ओपन एरिया में जाना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ओपन एरिया में क्या होता है, हमारी बॉडी भी कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ चार्जेस है, तो क्या होगा वो चार्जेस हमारी बॉडी से कंडक्ट हो सकते हैं, हमारी बॉडी में कंडक्ट हो सकते हैं और हमें इलेक्ट्रिकल शॉक दे सकते हैं। उसके अलावा टॉल ट्रीज के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, उनके नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ट्रीज में क्या होता है, अभी बताया पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लाउड्स में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो चार्जेस कंबाइन करके उस पर बिजली गिर सकती है, लाइटनिंग हो सकती है। लाइटनिंग अगर ट्रीज पे होती है तो ट्री तो जल जाएगा और अगर आप वहां पे खड़े हैं तो क्या होगा, आपको भी इंजर हो सकता है, आपको भी हार्म कोज हो सकता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं रोड्स पे उनके पास में नहीं खड़े होना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अम्ब्रेला कैरी नहीं करना है। अम्ब्रेला कैरी करने से क्या होगा, अम्ब्रेला में जो सेंटर में मेटल रोड होती है, क्योंकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है, मेटल से क्या होगा, चार्जेस क्या होंगे, आपकी बॉडी में पास आउट हो सकते हैं, और अगर चार्जेस आपकी बॉडी में पास आउट होंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है जो कि आपको हार्म कर सकता है। इसी के साथ में इफ वी आर इनसाइड आवर होम, हम अपने घर के अंदर है तो हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज नहीं करना है। जब तक लाइटनिंग हो रही है मेक श्योर आप इन अप्लायंसेस से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, टेलीफोन से, इन सब से दूर रहें। नेक्स्ट वन इज आपको बेदिंग नहीं करनी है, आपको नहाना नहीं है, जब भी लाइटनिंग हो रही है बेदिंग से बचें, क्योंकि वाटर में भी चार्जेस हो सकते हैं, वाटर में भी आपको शॉक लग सकता है। ओके, इसके बाद में लाइटनिंग से बचने का एक बहुत ही अच्छा वे है, दैट इज लाइटनिंग कंडक्टर्स का यूज हम करते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर्स, व्हाट आर दिस लाइटनिंग कंडक्टर्स, क्या होते हैं, जब हम एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक मेटल रोड को थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखा जाता है। मेटल रोड मेनली तो आयरन रोड होते हैं जिसे सरिया कहते हैं, आयरन रोड का यूज किया जाता है। आयरन रोड को थोड़ा सा बिल्डिंग के लेवल से ऊपर तक रखा जाता है और जो कि नीचे अर्थ में कॉपर प्लेट से अटैच होता है। अब इसमें क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि मान लो लाइटनिंग हो रही है और लाइटनिंग यहां पर हुई, इस बिल्डिंग पे हुई, तो ये क्या करेगा, ये सारा चार्ज इसमें आएगा, इस रोड में आएगा और ये रोड क्या करेगी, इस पूरे चार्ज को अर्थ में ट्रांसफर करेगी। अर्थ में ट्रांसफर करने से क्या होगा, बाकी यहाँ पर जो भी लिविंग बींग्स है, प्रॉपर्टी है, उसका डैमेज होने से बचेगा। सारा चार्ज जो होगा वो इस रोड से अर्थ में चला जाएगा, तो किसी को भी शॉक नहीं होगा, किसी के ऊपर लाइटनिंग नहीं होगी। तो इस तरह से हम लाइटिंग कंडक्टर्स को यूज करके काफी हद तक प्रोटेक्शन ले सकते हैं। सो इट वॉज अबाउट लाइटनिंग, आवर फर्स्ट फिनोमिनन। I hope it's clear to you all. Now we will discuss about our second phenomenon and that is earthquake. Earthquake क्या है, जब अर्थ में shaking होती है, trembling होती है, that procedure is called earthquake. Earthquake में क्या होता है, इसको एक disaster बोलते हैं।
अर्थक्वेक को डिजास्टर भी कहा जाता है। डिजास्टर क्या होती है? जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। डिजास्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज अनप्रेडिक्टेबल। इसको पहले से इसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। अर्थक्वेक सडन प्रोसीजर होता है, सडन इंसिडेंट होता है। ओके, सो ये क्या करती है? ये ह्यूमन बींग्स को और प्रॉपर्टीज को, लाइफ को बहुत ज्यादा हार्म करती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन उनमें कॉज करती है। सो आपने, आपको पता है जिन एरियाज में ये अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं वो एरियाज क्या होते हैं? अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं, उन्हें सेस्मे एरिया भी कहा जाता है। ओके, सेस्मिक रीजन भी बोला जाता है उन एरियाज में। उन एरियाज में किनको इंक्लूड किया गया है? इंडिया में है उरी, कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, कभुज। इन एरियाज में जो अर्थक्वेक है वो बहुत ज्यादा आते हैं, तो इन एरियाज को अर्थक्वेक प्रोन एरियाज डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद में ये अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत ही कम टाइम के लिए जब अर्थ में हलचल होती है, उसमें शेकिंग होती है, ट्रेम्बलिंग होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आता रहता है, ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक नहीं आता है। अर्थक्वेक आता रहता है, इसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर इसकी इंटेंसिटी हाई होती है रिक्टर स्केल पे, तो हम उसे डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक कहते हैं। अदरवाइज इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक के कॉजेज क्या है? अर्थक्वेक क्यों आते हैं? सपोज ये आते हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट की वजह से, क्रस्ट पर डिपेंड करते हैं। सपोज इट इज आर अर्थ, सबसे बाहर जो होता है दैट इज क्रस्ट, द इनर पार्ट इज मेंटल, देन आउटर कोर एंड द इनर कोर। ओके, सो अर्थक्वेक के लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल रीजन है दैट इज अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट में क्या होता है? इसमें कुछ प्लेट्स होती है, जितना इवन ये दिख रहा है, यहाँ पर ये बिल्कुल इवन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली अर्थ क्रस्ट जो है, जो अर्थ का आउटर मोस्ट रीजन है, वो बिल्कुल भी इवन नहीं होता है, वो फ्रेगमेंटेड होता है। फ्रेगमेंटेड होता है, टुकड़ों में होता है, उसमें बहुत सारी प्लेट्स होती है क्रस्ट में, और उन प्लेट्स को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स, इन प्लेट्स में क्या होता है? इनमें कंटिन्यू मूवमेंट होती है। ये प्लेट्स कैसे मूवमेंट करती है? ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करती है, लेकिन स्लाइडिंग करती है तब तक तो अर्थक्वेक नहीं आता है। जैसे ही ये स्लाइडिंग करते करते ये अर्थक्वेक टकरा जाती है, तो क्या होता है? अर्थक्वेक अकर होता है। और ये अर्थक्वेक इसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी है। अगर इसको रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है, अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल पे इसके मैग्नीट्यूड्स होते हैं, इसमें 1 to 10 रीडिंग्स होती है, 1 to 10 रीडिंग्स होती है, और इन रीडिंग्स के अकॉर्डिंग ही अर्थक्वेक के जो डिस्ट्रक्शन पॉइंट्स है उनको मेजर किया जाता है। अगर 3 तक या 5 तक अर्थक्वेक आते हैं, रिक्टर स्केल पे इंटेंसिटी 3 to 5 है, तो मेजर कोज, मेजर हार्म नहीं होता है, मेजर डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। लेकिन ये 5 से अबव है एंड मोस्टली 7.5 के आसपास होता है, तो बहुत ही ज्यादा हार्म कोज होता है। बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाती है, बहुत सारी ह्यूमन लाइफ्स को, एनिमल लाइफ्स को हार्म होता है इससे। तो ये सब तो था अर्थक्वेक के बारे में। अब जैसे हमने लाइटनिंग के बारे में हमने प्रिकॉशंस लिए थे, सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट किया था, उसी तरह से अर्थक्वेक के भी कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे अर्थक्वेक जब आ रहा है, जैसे कुछ अर्थक्वेक प्रोन एरियाज जो मैंने बताया, जैसे राजस्थान, गुजरात, कश्मीर, तो इन एरियाज में जो भी लोग लिविंग करते हैं उन लोगों को प्रिकॉशंस के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि ये सडन प्रोसेस है, ये कभी भी अकर हो सकता है, तो उसके लिए ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। उसके बाद में अगर आप
बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो बिल्डिंग में ऐसा मटेरियल यूज करवाना चाहिए, बिल्डिंग को इतना स्ट्रोंग कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए जिससे कि ये शेकिंग को, ट्रेम्बलिंग को बेयर कर सके, टॉलरेट कर सके। इसके बाद में अगर आप घर के अंदर है तो क्या आपको सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, आपको एक स्टडी टेबल के नीचे बैठना है, आपके हेड को पिलो से कवर करना है ताकि हेड इंजरी से बचा जा सके। इसी के अलावा जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं घर में जैसे अलमीरा, मिरर, हैवी क्लोक, इन सबसे दूर रहना चाहिए ताकि ये आपके ऊपर गिरे नहीं और आपको हार्म कोज ना करे। इसी तरह से अगर आप घर से बाहर है तो घर से बाहर होने पे आप क्या करोगे, लाइटनिंग के टाइम पे हमने ओपन एरिया को अवॉइड किया था, ओपन एरिया में नहीं जाना था, लेकिन यहाँ पर जब अर्थक्वेक आ रहा है और आप घर से बाहर है तो आपको एक ओपन एरिया फाइंड आउट करना है और उस ओपन एरिया में जाना है ताकि, क्योंकि ओपन एरिया में क्या होता है, कोई भी बड़े ट्रीज नहीं होते हैं, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं जो कि आपको हार्म कोज कर सके। इसी के साथ में अगर आप किसी व्हीकल में है तो इमिडिएटली व्हीकल से बाहर आ जाना है। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स है जो कि आप लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक के टाइम पे अडॉप्ट कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन ड्रॉप इट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।